सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान की दो अदालतों ने दो मुकदमात में जमानतें दी। लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें चौधरी शुगर मिल्स में जमानत दी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को 8 हफ्तों के लिए अल अजीज़िया रेफरेंस में जमानत दी। जो जमानत लाहौर हाई कोर्ट से मिली नवाज शरीफ साहब को वो 16 नवंबर को मिली, 4 हफ्तों के लिए, और नवाज शरीफ साहब को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई। नवाज शरीफ साहब का नाम ECL से निकाल दिया गया और अदालत ने नवाज शरीफ साहब से ये कहा कि जब वो 4 हफ्तों के अरसे के दौरान या जैसे ही नवाज शरीफ साहब के मौलिज यानी उनके डॉक्टर नवाज शरीफ साहब की सेहत की तस्दीक कर देंगे या नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी मुमकिन हो सकेगी जो कि मशरूत है उनकी सेहत के साथ, तो नवाज शरीफ साहब हर हाल में पाकिस्तान वापस आएंगे। नवाज शरीफ साहब को जो 4 हफ्तों की जमानत मिली थी 16 नवंबर से शुरू हुई, वो 13 दिसंबर को ख़त्म हो गई। आज 15 दिसंबर है, यानी नवाज शरीफ साहब की वो 4 हफ्ते की जमानत के बाद आज 2 दिन मजीद हो चुके हैं और नवाज शरीफ साहब के वकील ने लाहौर हाई कोर्ट में उनकी रिपोर्ट जमा करवा दी। बयान हल्फी दिया था नवाज शरीफ साहब ने लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की मौजूदगी में कि वो 4 हफ्तों के अंदर वतन वापस लौटेंगे या जब उनका डॉक्टर इस बात की तस्दीक कर देगा कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी अब खैर आफियत से हो सकती है तो वो वतन वापस आएंगे। इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब के भाई शहबाज शरीफ साहब ने भी बयान हल्फी दिया था कि वो भी इस बात को मुमकिन बनाएंगे कि नवाज शरीफ साहब ठीक होने के बाद वतन वापस लौटेंगे। जो जमानत नवाज शरीफ साहब को 29 अक्टूबर को मिली वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से थी अल अजीज़िया रेफरेंस की, जो 8 हफ्ते की जमानत थी और ये जमानत 23 दिसंबर को ख़त्म हो रही है। और अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि जब 23 दिसंबर को यानी 8 हफ्तों के बाद ये जमानत ख़त्म होगी तो मज़ीद अगर नवाज शरीफ साहब को जमानत चाहिए या नवाज शरीफ साहब मज़ीद कोई रिलीफ लेना चाहते हैं अपने इलाज से मुतालिक तो नवाज शरीफ साहब को पंजाब हुकूमत से राबता करना पड़ेगा। तो एक जमानत 23 दिसंबर को ख़त्म हो रही है और एक जमानत के 4 हफ्ते की जो मुद्दत थी वो ख़त्म हो चुकी है। रिपोर्ट अदालत के सामने पहुँच चुकी है, अदालत फैसला करेगी कि नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट क्या कहती है कि उनको मजीद यहाँ रुकना चाहिए या नहीं। जो हुकूमत ने दरख्वास्त दायर की थी अदालत में उसकी समाअत जनवरी 2020 के 3रे हफ्ते में लाहौर हाई कोर्ट दोबारा से शुरू करेगी। इस वक्त मैं जिस इमारत के बाहर मौजूद हूँ ये है एवन फील्ड हाउस, यही वो इमारत है जो सारी तनाज़े की जड़ बन चुकी है। इमारत में असल में वो फ्लैट्स हैं नवाज शरीफ साहब के और उनके बच्चों की मिल्कियत पे, जो सारा तनाज़ा अप्रैल 2016 में शुरू हुआ पैनामा स्कैंडल के बाद, और नवाज शरीफ साहब इस वक्त इसी इमारत में अपने बेटों के साथ और इन्हीं अपार्टमेंट्स में मौजूद हैं। नवाज शरीफ साहब की वापसी कैसे होगी? शहबाज शरीफ साहब तो बिल्कुल ठीक ठाक है, शहबाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं जा रहे हैं? यहाँ का कानून क्या नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आने से रोकता था और अगर वो आए तो कैसे आए? इस पर बात करते हैं। मीर इकराम हुसैन हमारे ब्यूरो चीफ हैं लंदन के और मोहसिन मलिक साहब एक्सपर्ट हैं ब्रिटिश लॉ के, इनसे जो लीगल ओपिनियन है वो लेते हैं नवाज शरीफ साहब के यहाँ के स्टे से मुतालिक। लेकिन मीर इकराम, 4 हफ्ते की नवाज शरीफ साहब को ज़मानत थी, अगरचे वो ज़मानत ये नहीं थी कि वो गैर मशरूत है, यानी नवाज शरीफ साहब को हर हाल में वापस जाने जाना है, उसमें इजाज़त थी कि अगर उनका इलाज नहीं हो सका या अगर डॉक्टर उनको वापसी के लिए इजाज़त नहीं देते तो वो रुक सकते हैं और इसीलिए वो अभी तक यहाँ रुके हुए हैं। लेकिन 4 हफ्तों में नवाज शरीफ साहब अभी तक ज़ेरे इलाज नहीं हुए कहीं पे। जो भी इलाज हो रहा है वो या घर पे हो रहा होगा या नवाज शरीफ साहब जाते होंगे कंसल्टेंट के पास, चेकअप के बाद वापस आते होंगे, कहीं एडमिट नहीं हुए नवाज शरीफ। बिल्कुल, जो आपका तजिया है यकीनन इसमें एक बात बड़ी वादे है कि एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत पाकिस्तान की, जिसका पूरा एक बैकग्राउंड है, एक सियासी
जद्दोजहद है उनकी, वज़ीर आज़म रहे 3 दफ़ा पाकिस्तान के, उनका इस तरह से बीमार होना, यहाँ पे आना, ये वो सारे सवाल है जो सिर्फ आप नहीं, यहाँ पे रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी भी ये सवाल कर रहे हैं कि आया जो इतना बड़ा मसला वहाँ पे पाकिस्तान में बना, सुप्रीम कोर्ट में ये मसला गया और फिर उनको बाकायदा इजाज़त दी गई कि वो बरतानिया आएँ और अपना इलाज करवाएँ। अभी उनके टेस्ट हो रहे हैं, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में उनके टेस्ट हुए हैं और ऐसा सच अभी तक वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए जिसका अभी तक कोई हमारी सामने ऐसी चीज़ आई नहीं है। तो ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि अब हमारी कोर्ट इस फर्दर क्या फैसला देती है कि एक शख्स वहाँ से पाकिस्तान से यहाँ आए इलाज करवाने और अभी तक किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए, जबकि वहाँ पर यह कैफियत थी कि एमरजेंसी में ले जाया गया और ऐसा फेल हो रहा था वहाँ। तो देखिए सॉरी, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब को सेहत दे, लेकिन वहाँ तो जो नक्शा खींचा गया था वो तो बहुत ही खौफनाक नक्शा था और लग रहा था कि पता नहीं अगर अभी जमानत ना मिली, नवाज शरीफ साहब जाती उम्रा ना गए, फिर जाती उम्रा से लंदन ना पहुंचे तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, ऐसी कैफियत पैदा कर दी गई थी कि गोया अब अभी कुछ हो, और अदालत ने बाकायदा पूछा था कि जमानत दें, सुबह तक जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या एक दिन या चौथ, कितनी इनकी ज़िंदगी बाकी रह गई। हालात कुछ ऐसे पैदा हो गए थे। अब वही सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ के लोग एक तजब्बुब में हैं कि आया एक शख्स जो इतना बीमार था, वो अभी 4 हफ्ते होने को हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह उनको कोई हॉस्पिटल में वो एडमिट नहीं हुए, जो कि पाकिस्तान में रोज़ जेल से बाहर लाया जाना हर दूसरे दिन और फिर उसके बाद उनको इमरजेंसी में लाना और उनको ना मालूम कौन कौन सी दवाइयाँ, ना मालूम क्या क्या किया जाता था कि पूरी की पूरी कौम वो परेशान थी कि अब क्या होने वाला है। अब कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर आने के बाद सब कुछ ठीक हो गया है, या अगर कुछ तबीयत की ख़राबी है और जो कुछ बताया जा रहा है उसमें आगे चल कर क्या होगा। और ये तारीख है मियां नवाज शरीफ साहब की, अगर माजी की सियासी तारीख को हम देखें, पहले वो चले गए बाहर एक समझौते पे साइन करके, फिर उसके बाद और उनके ऊपर जिस तरह से भी हुआ फिर वो वज़ीर आज़म बने, तो उनको इस चीज़ को क्लियर करना पड़ेगा कि ये सब क्या हो रहा है, ताकि लोगों को एक चीज़ का पता चले ये वो कौन सा सियासी निज़ाम। लेकिन वो ये है ना कि अब चूंकि मामला उनकी बीमारी का है तो आप सवाल भी नहीं कर सकते, अगर आप सवाल करें तो कहा जाएगा कि आप बीमारी पर सियासत कर रहे हैं, आप बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं। एक ऐसा जवाब उनके पास है बीमारी का कि उसके ऊपर सिवाई है कि जी ठीक है बीमार है, कि कर सकते हैं जी बीमार है। नहीं, ये सिर्फ एक सियासी शख्सियत का मामला नहीं है ना, ये हमारी पूरी अदलिया, पूरे कानून और एक सियासी निज़ाम का भी मामला है कि जो भी वज़ीर आज़म या कोई ऐसा शख्स अगर उसका मामला अदालत में गया, उसे सज़ा हो गई, तो कोई भी एक अल्लाह करे सेहत दे, अल्लाह ताला सबको सेहत दे, जितने कैदी हैं इस वक्त अगर उनका कोई अपना बीमार है या खुद बीमार है, इलाज करवाएँ और सेहतियाब हो। लेकिन अगर ऐसा नज़र आए, जो बरतानिया के ऐसे कानून हैं कि कोई शख्स अगर बेनिफिट लेता है कि इस बुनियाद पे कि वो बीमार है, काम के काबिल नहीं है और वो चल फिर नहीं सकता या उसकी बहुत ही कोई मुसीबत में है, तो अगर उसकी कोई ऐसी फुटेज सामने आ जाएं, किसी शादी में है वो डांस कर रहे हैं, किसी जगह पर है कि वो चल फिर रहे और उन्होंने क्लेम ये किया कि वो चल फिर नहीं सकते, वो बेड पर हैं, वो इमरजेंसी में है या हॉस्पिटल में एडमिट होना उनका लाजमी है, तो ये वो सारी चीज़ें जो इस मुल्क की गवर्नमेंट कंसिडर करती है कि यह क्या सच है और क्या झूठ है। अच्छा, 19 नवंबर को नवाज शरीफ साहब वहाँ से चले थे अपने भाई और अपने मौलज के साथ और यहाँ पहुँचे थे 19 नवंबर को, 16 नवंबर को जमानत हुई थी 19 नवंबर को, और आज नवाज शरीफ साहब को 27 दिन हो गए हैं यहाँ पर, तो इन 27 दिनों में नवाज शरीफ साहब की कोई सोशल एक्टिविटी तो नहीं देखी हमने? सोशल एक्टिविटीज़ आपने नहीं देखी, इसका कतन ये मकसद नहीं है कि उनकी सोशल एक्टिविटीज़ नहीं है। घर से तो वो नहीं निकलते, कहीं जाते तो नहीं है? बिल्कुल जाते हैं, घर से बाहर टेस्ट कराने जाते हैं, खुद चलकर जाते हैं, चलकर आकर गाड़ी में बैठते हैं। लेकिन वो तो इलाज की घर से, इलाज की घर से, लेकिन उसके साथ उनके अहबाब बहुत सारे होते हैं, वो एक सोशल लाइफ ही है जो अहबाब साथ हैं, उनसे बातचीत है, फिर बंद कमरे में। मैं ये चाहता हूँ उनकी हो सोशल लाइफ, हम नहीं चाहते कि उनकी सोशल लाइफ ना हो, मिलना मिलाना होना चाहिए, अगर उनके कोई रिश्तेदार हैं मिले उनसे, लेकिन ये है कि कौम को कम से कम ये तो बताएं कि अब उनकी कैफियत क्या है, अब वो किस हालत में है, उनकी तबीयत कैसी है, कौम जानना चाहती है। राइट, मोहसिन मलिक साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब चूँकि वहाँ कन्विक्टेड थे, नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई थी, कानूनी तौर पर एक बहस ये भी है कि सज़ा बरकरार है, कन्विक्शन है नहीं है, या सिर्फ आर्जी तौर पे ज़मानत मिली है, लेकिन बरतानवी कानून क्या कहता है, नवाज शरीफ साहब क्या कन्विक्शन के बाद आ सकते हैं, बरतानिया में दाखिल हो सकते हैं? बरतानिया का कानून है वो जो क्रिमिनल कन्विक्शंस हैं उनके लिए इंतहाई सख्त है, इवन के यहाँ पे भी अगर किसी बंदे को प्रिजन हो जाती है फॉर सर्टन पीरियड, से फॉर एग्ज़ाम्पल 12 मंथ, तो जब वो वहाँ से सज़ा काट के निकलते हैं तो अगर उनके पास इनडेफिनेट लीव भी है वो रिवोक हो जाती है ऑटोमेटिकली, उन्हें रिमूव कर दिया जाता है। यहाँ तक मियाँ नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें अलजीज़िया में आप बिलीव कि उन्हें 7 साल की
सज़ा हुई जो 8 वीक के लिए सस्पेंड हुई। अब अगर इसको देखा जाए तो सेक्शन 320 सबसेक्शन 2 इमिग्रेशन का बिल्कुल क्लियर है इस बारे में। बर्तानिया के कानून की बात कर रहे हैं, बर्तानिया के कानून की बात कर रहा हूँ कि किन लोगों को आपने एंट्री क्लियरेंस देनी है, यूके में आने की आपने इजाज़त देनी है। उसमें अगर 12 महीने से कम की सज़ा है तो उसके लिए 5 साल का पीरियड है कि मस्ट बी उसको फिर स्पेंड कंसिडर किया जाता है। उसके बाद आप इस पोजीशन में होंगे कि आप एप्लीकेशन डालें। अगर उससे पहले आप डालेंगे तो वो ये जो सब जो अपना सेक्शन कहता है कि उसको आप रिफ्यूज़ करें। और इसके बाद अगर आपकी जो सेंटेंस है वो 12 महीने से 4 साल तक है तो उसमें 10 साल का पीरियड है, आपने वेट करना है। लेकिन अगर 4 साल की है तो उसमें ये सेक्शन कहता है कि आप उसको रिफ्यूज़ कर दें, ठीक है। अब उसमें एक्सेप्शन हो सकती हैं कि किसी लोगों कोई ऐसा है कि मेडिकल ग्राउंड पे या किसी और चीज़ पे हो सकता है कंसिडर किया गया हो। मेरे पास उसकी फुल इंफॉर्मेशन नहीं है कि किस बेस पे मियां साहब को जो है वो एंट्री दी गई। जिसको 4 साल की सज़ा हुई हो अपने मुल्क में वो बर्तानिया में दाखिल नहीं हो सकता, सादा सी बात की है। बिल्कुल सादा सी बात है, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। माइक टायसन बॉक्सर है, बड़ा वेल रेनाउंड फेमस है, उसको एंटर होने की इजाज़त नहीं मिल सकी थी। बराक ओबामा के जो भाई हैं सैमसन आई बिलीव ओबामा जो हैं उनको एंटर होने की इजाज़त नहीं मिली सिर्फ इस वजह से कि उन पर कन्विक्शंस थी। और कोई भी जो उनकी कन्विक्शंस थी इवन के माइनर कन्विक्शंस की वजह से इजाज़त नहीं मिल सकी। क्रिस ब्राउन हैं, सिंगर हैं, उन्हें रिफ्यूज़ की गई एंट्री क्लियरेंस। इसके अलावा बहुत फेमस फुटबॉलर्स हैं, बहुत अमीर लोग हैं फुटबॉलर्स, तो ये पूरी कौम उसकी फ़ैन है उनकी, उनको इन्होंने रिफ्यूज़ की है एंट्री क्लियरेंस, उनको नहीं मिल सकी। तो इस बेस पे जो है जो मियां साहब हैं उनको सस्पेंड हो जाना सफिशिएंट नहीं है। सस्पेंड हो जाना, यहाँ पे सस्पेंडेड सेंटेंस दी जाती है, उसका मतलब ये होता है कि जी आप अगर कुछ दोबारा अगर रिफंस करेंगे तो फ़ौरन वो एक्टिव हो जाएगी, आपको प्रिजन में ले जाएंगे। लेकिन उसका मतलब है आपको सज़ा हुई हुई है। तो 8 वीक के लिए अगर उनकी सज़ा सस्पेंड हुई है तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये रेलेवेंट नहीं है कि पाकिस्तान ने उन्हें पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त दी है। रेलेवेंट ये है कि यूके का लॉ क्या कहता है, क्या इजाज़त देनी चाहिए। यहाँ पे तो सिर्फ कैरेक्टर की बेस पे भी जो है वो रिफ्यूज़ कर दी जाती है एंट्री क्लियरेंस, कि उन्हें सेटिस्फाई हो जाना चाहिए कि जो एक्टिविटीज़ हैं, एसोसिएशन है, कैरेक्टर है, वो किन लोगों के साथ है, क्या वो पब्लिक एट लार्ज जो है उसके लिए एक सुटेबल पर्सन है या नहीं है, इस बेस पे भी वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं। अगरचे आपका लीगल ओपिनियन ये है कि चूँकि नवाज शरीफ साहब को कन्विक्शन 4 साल से ज़्यादा हुई थी और बरतानिया का कानून ये कहता है कि जिसको 4 साल की सज़ा हो बरतानिया में दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन नवाज शरीफ साहब के फाइनेंशियल टाइज हैं, नवाज शरीफ साहब के इमोशनल टाइज हैं, उनकी फैमिली यहाँ पे है, उनके प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे उनकी फैमिली की, तो क्या उस बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब दाखिल नहीं हो सकते? बिल्कुल जी, यही वजह होगी कि जो अगर इस सिचुएशन में जो उनकी जो केस है कि किस बेस पे एक्सेप्शनल वो उनको लीव मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर उनका सब कुछ है, मेरे को उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे, उनका जो फ्लैट्स हैं 16A जो जिनके हम बाहर खड़े हुए हैं, इसके अलावा उनका बिजनेस है, उनके बच्चे इधर हैं, वो ईद यहाँ पे करते हैं, उनके डॉक्टर्स, उनके हॉस्पिटल, उनके दोस्त, तो उनकी जो लाइफ यहाँ पे है इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल इन पाकिस्तान, तो उनका सब कुछ तो इधर है, तो इस वजह से उनको यहाँ पर इजाज़त मिलनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में उनका है क्या। मेरा ख्याल है कि वो प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इक्तदार, तो इक्तदार के मज़े और सियासत तो पाकिस्तान में ही है ना, बरतानिया में वो तो नहीं हो सकती। नहीं, अभी वो भी नहीं रहे, तो मेरा ख्याल है कि शायद अगर मैं उनकी एप्लीकेशन से डील करूं तो मैं उनके यही ग्राउंड बनाऊंगा कि उनकी सारी लाइफ, उनके बच्चे, उनकी इमोशनल टाइज, फाइनेंशियल टाइज होती हैं कि आपका बिजनेस, आपकी प्रॉपर्टीज़, आपके बैंक अकाउंट्स, आपका पैसा, ये फाइनेंशियल टाइज हैं कि जहाँ पे, इमोशनल टाइज होती हैं कि जहाँ पे आपके बच्चे हैं, जहाँ पे आपके दोस्त हैं, जहाँ पे आपके रिलेटिव्स हैं। तो मेरा ख्याल है उनके करीबी दोस्त हैं इसहाक डार साहब। अच्छा, ये इसहाक डार साहब की आपने, मेरी ग्राम साहब लोग आते हैं यहाँ पे लंदन में घूमने के लिए, वो सेंट्रल लंदन को देखेंगे जो तारीखी पुराना लंदन है, डाउनटाउन को देखेंगे, लंदन ब्रिज को, लंदन आई को, जो भी यहाँ के तारीखी मुकाम आता है, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी आते हैं वो इसको एवनफील्ड हाउस को देखने के लिए आते हैं। ये भी एक इसकी तारीखी इमारत बन गई है, ये एक तारीखी इमारत है कि यहाँ पे हमारे साबिक वज़ीर आज़म या नवाज़ शरीफ साहब
उनका ये रिहायशगाह है और यहाँ पर उनके बेटे रहते हैं। यहाँ पे बड़ी तारीखी प्रोटेस्ट हुए हैं इस जगह के ऊपर, अवाम ने अपना गम गुस्से का इजहार किया है बारहा। अच्छा, बर्तानिया की मेरा ख्याल है 10 डाउनिंग स्ट्रीट के अलावा अगर कोई ऐसी इमारत पूरी बर्तानिया में है जो इतनी दफा टीवी पे दिखाई गई है तो ये इमारत एनफील्ड है। एनफील्ड बिल्कुल ऐसा ही है कि यहाँ पे असल वजह तो यह है कि हमारे सबका प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब की रिहाइश क्या है, फिर जो सबसे बड़ी पनामा लीक्स के बाद इसका नाम आया उसमें, और फिर आवाम ने यहाँ पर आकर प्रोटेस्ट किया जो उनको समझ में आया, जो आवाम के सामने आया कि कौम की लूटी हुई दौलत है वापस करो। लोगों ने आके अपने खूब गम और गुस्से का इजहार किया। मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली और उनके बच्चे वो सब, वो प्रॉपर्टी रेट यहाँ पे बढ़ गया है या प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हुई है यहाँ? इस बारे में तो मैं वादे राय नहीं दे सकता, लेकिन ये है कि यकीनी तौर पे एक सूरत हाल यहाँ पे ख़राब तो हुई। मतलब इस जगह के लिए किसी पोस्टल कोड की ज़रूरत नहीं है, किसी गूगल मैप की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है सारी दुनिया को मियाँ साहब की वजह से कि जी एवल फील्ड कहाँ पे। बड़ा बड़ा नज़रों में रहा ये मकाम, बड़ा मशहूर हुआ, बड़े लोग आए यहाँ पे, बल्कि लोग आके बाकायदा इंजॉय करते हैं सम टाइम। अगर कोई प्रोटेस्ट नहीं भी कर रहा तो लोगों का हल्ला गुल्ला देख के इंजॉय करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी सियासत का अब ये जगह बहुत बड़ा हिस्सा बन गई है कि ये मकाम जो है पाकिस्तानी सियासत के लिए एक बड़ा अहम मकाम है कि ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब, उनके पार्टी के जो अराकीन हैं वो यहाँ पे आते हैं, एक बाकायदा तौर पे हल्ला गुल्ला होता है यहाँ, सियासी गहमा गहमी होती है। और अगर हम इसको एक अच्छा, अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, मेरे जहन में भी ये सवाल था, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ये सोचते होंगे कि यहाँ पे जितने मीडिया इस वक्त भी बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं, पहले भी आए हुए थे, यहाँ पे प्रोटेस्ट भी होते हैं, अभी एक हफ्ता पहले भी यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी इकट्ठी हुई, यहाँ पे शायद कोई ऑफेंसिव किस्म का भी काम हुआ, तो ये जो नेबर्स हैं ये तंग नहीं आ गए, वे आजिज़ नहीं आ गए कि भैया हमें यहाँ से निकालो या नवाज शरीफ को यहाँ से निकालो? कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई, तकलीफ़ तो होती है, ऐसा नहीं है कि जब शोर शराबा होता है, बहुत शोर होता है तो तकलीफ़ तो होती है, लेकिन इस मुल्क का एक कानून है, प्रोटेस्ट का राइट है हर शख्स को कि वो अपना अगर किसी वजह से प्रोटेस्ट करना चाहता है, कोई जेन्युइन रीज़न है तो उसकी वो बाकायदा एप्लीकेशन देता है, वो अप्रूव होती है, फिर सिक्योरिटी का इंतज़ाम होता है और वो प्रोटेस्ट अप्रूव किया जाता है कि ठीक है आप इतनी जगह पर आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं या आ सकते हैं, तो वो कानूनी तौर पे इजाज़त लेके प्रोटेस्ट किया जाता है। ये जो एक हफ्ता पहले प्रोटेस्ट हुआ जिसमें मतलब सारे नारे आप सबने सुने हुए हैं, वो चोर डाकू जिस किस्म के नारे इस्तेमाल होते हैं, और यहाँ पे काफ़ी रश भी था, लोगों ने गेट के ऊपर हमला भी किया, यहाँ पुलिस भी डिप्लॉय हुई हुई थी, तो उसका कोई उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन होता है यहाँ पे? जब आप तमाम उस चीज़ पर ले सकते हैं कि जिसको आप समझते हैं कि आपके लिए नुकसानदेह है या आप उससे महफूज रहना चाहते हैं, तो लीगल एक्शन कानूनी तो है इस मुल्क में। इस मुल्क में अगर सब एक बराबर समझे जाते हैं, और अगर हमारे पास नहीं है तो वो कानूनी तो नहीं है, हमारे पास सबसे बड़ा उसी का फुकदान है। हमारे पास तो खैर ऐसा खतरनाक कानून है जो किसी वक्त किसी भी कैफियत में आ जाता है। तो बहरहाल ये है कि पाकिस्तान किसी पर भी कानूनी कैफियत तारी हो सकती, कानूनी कैफियत तारी हो सकती है जी। इस वक्त एल्फर्ड के इलाके में है लंदन, और बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी एल्फर्ड में आबाद हैं। ये ईस्ट लंदन का इलाका है, तो कुछ पाकिस्तानी दोस्त हमें यहाँ पे मिले हैं, उनसे बात करते हैं नवाज शरीफ साहब की सेहत से मुतल्लिक। नवाज शरीफ साहब का जो इलाज जारी है यहाँ पे, 4 हफ्ते के लिए आए थे मियाँ साहब, अब तो 5वां हफ्ता शुरू हो गया है, मियाँ साहब की वापसी लग नहीं रही जल्दी होगी? ये मैं अगर कहूँ कि ये भी कश्मीर की तरह खिंचे जा रहा है, ये 100 डेज से ऊपर हो गया है, तो ये क्योंकि मियाँ साहब की बीमारी मसला कश्मीर बन गया, कश्मीर बन गया, और आने वाले दिनों में आपको लगेगा कि ये भी जो है और जो है डिफ़िकल्टीज होती जाएंगी, और एक डॉक्टर अदनान जो है वो एक नया से नया एक शोशर लेके आते जाएंगे, पर हम तो दुआ करते हैं कि उनकी तबीयत बेहतर हो और वो पाकिस्तान जाएं, और जिस तरह उनकी पार्टी हमेशा डिफेंड करती है कि हम भागते नहीं हैं और हम लोग फेस करते हैं, ये तो छोटी सी जेल है, अभी थोड़े अरसे की जेल है, नेल्सन मंडेला का जब इतना बड़ा खिताब दिया जा रहा है उनको, तो उनको चाहिए कि 15-20 साल वो जेल में गुजारें और फिर बाहर आएँ और फिर जाके लीडर बने वो तो
यानी आप हर हाल में चाहते हैं कि वो 15-20 साल जेल में गुजारे ही गुजारे। देखिए भाई, बेसिकली मेन मकसद ये है कि अमीर भाई के आपको जो पीछे बिल्डिंग अगर आपको दिख रही है, तो बिल्कुल ये शीशों वाली बिल्डिंग। जी हाँ, ये शीशों वाली बिल्डिंग। ये भी बड़ा इधर थ्योरी चल रही है कि यहाँ पे ये नवाज शरीफ साहब की बिल्डिंग रह चुकी है। अच्छा जी हाँ, और बीबीसी वालों ने यहाँ पे एक बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। जी आप जिस स्ट्रीट में इल्फर्ड में आप घूम रहे हैं, यहाँ पे इनके राइट हैंड जो पैसे लेते थे मजीद साहब थे, कोई और नाम थे, इस तरह की पूरी डॉक्यूमेंट्री विद एविडेंस बीबीसी वालों ने बनाई है, जो कि लोगों के अंदर इतनी इस तरह की लोगों के अंदर चीज़ें हैं कि ये लोग पाकिस्तान से पैसा ला के और यहाँ पे कर रहे हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे आप बड़े पढ़े लिखे लोग और बड़ी और जॉब्स भी कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पाकिस्तान से मोहब्बत होती है, पाकिस्तान पैसे भी भेज रहे होते हैं, चीज़ें भी भेज रहे होते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट जो है ना इन लोगों की पार्टी के ऊपर और इनके ऊपर, वो अच्छा नहीं है यहाँ। ये इस बिल्डिंग में मुझे दोबारा बताएं, आप कह रहे हैं कि क्या यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है, क्या उसके अंदर ये तासुर है कि ये बिल्डिंग शरीफ खानदान की है? देखें, ये बेसिकली हम नहीं बोल रहे हैं, ये ऑलरेडी बेसिकली यहाँ की मीडिया भी बोल रही थी, ये चीज़ें भी बोल रही थी। जब ये बन रही थी उस टाइम के ऊपर भी इनके जो भी रुफाकार थे, जो भी लोग थे, उन्होंने भी कहा था कि ये इस तरह का ये बिल्डिंग जो है इन लोगों की बिट की हुई है और इन लोगों की है। और इसके बाद काफ़ी चीज़ें जब बहुत ज़्यादा हो गई तो ये लोगों को पीछे हटना पड़ा, जैसे एनफील्ड जो इनका घर है उस पर भी इन्होंने जो बेचा है, चीज़ें हुई। तो ये बेसिकली आप वाइंड अप कर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, बड़ी फास्ट न्यूज निकल जाए। खतरनाक आदमी, आपसे ज़्यादा बात नहीं हो सकती। अब कुछ और पाकिस्तानी दोस्त हमें मिलते हैं यहाँ पे, तो जरा उनसे बात करते हैं। ये एक पाकिस्तानी भाई मिले हैं मंडी भाउद्दीन से, इन्होंने बताया इनका ताल्लुक है और इन्होंने जो कि ग्रीन शर्ट पहनी हुई है, ग्रीन पाकिस्तान का सब्ज परचम। मियाँ साहब वापस नहीं जा रहे हैं, कब तक मियाँ साहब की वापसी आपको लग रहा है कि होगी? मियाँ साहब का इलाज होगा मुकम्मल, बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे मियाँ साहब, तब वापस जाएंगे या उससे पहले चले जाना चाहिए मियाँ साहब को? क्या लग रहा है? लग तो यही रहा कि जो बात करके उन्होंने निकाले हैं उसे अमल करना चाहिए, और बाकी ये गवर्नमेंट का उनका प्रॉब्लम है, लेकिन एज अ पाकिस्तानी उनको फेस करना चाहिए जो कुछ उन्होंने किया है, और बदनामी का बहस बना है पूरी दुनिया में, तो जो कुछ उन्होंने किया है वो भुगतना पड़ेगा। यहाँ पे कभी जो नॉन पाकिस्तानीज हैं, जिसमें इंडियंस हैं, जिसमें बांग्लादेश के लोग हैं, जिसमें और एशियन कंट्रीज़ के लोग हैं, खुद ये ब्रिटिशर्स हैं, ये लोग कभी बात करते हैं कि यार ये आपके मुल्क में क्या चल रहा है, ये करप्शन के स्कैंडल चल रहे हैं, आपके वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम था, आपका वज़ीर आज़म यहाँ आ गया, आपको बात होती है कभी इस तरह की? अभी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतर है पहले से। पहले तो बहुत ज़्यादा इस पर हमें खुद शर्मिंदगी होती थी, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह जब से कुछ फेस चेंज हुआ है पाकिस्तान का तो उससे काफ़ी बेहतर है। यानी इमरान खान की वजह से? इमरान खान की वजह से, नई गवर्नमेंट की वजह से, और काफ़ी पॉलिसीज अच्छी आई है पाकिस्तान के लिए, फॉरनर्स के लिए, तो इससे बड़ा फायदा हुआ है। अच्छा, मरियम बीबी भी कह रही है कि जी मैंने भी आना है यहाँ पे नवाज शरीफ साहब के पास, मैंने उनकी तिमारदारी करनी है, मुझे यहाँ आके रहना है 6 हफ्ते के लिए, मुझे आने दें, आना चाहिए उन्हें? भाजी ये गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है, वो जाने और वो जाने। नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है कि उनको यहाँ पे, हसन नवाज यहाँ पे हैं, हुसैन नवाज यहाँ पे हैं, शहबाज शरीफ हैं यहाँ पे, इसहाक डार हैं, नवाज शरीफ साहब का पूरा खानदान यहाँ पे है, तो क्या मरियम साहिबा के बगैर उनका इलाज हो सकता है या नहीं हो सकता? शक हो सकता है, ये तो बस इन्होंने अपने लिए कुछ बुलाया कि आप कुछ जो कुछ है बेचेंगे, तो उसी के लिए शायद किया, कि बिजनेस के लिए किया होगा, बाकी क्या कि उसने भी यहाँ पे करना है, और जितने भी करप्टेड है उनको सबको सजा होनी चाहिए। और ये बड़ा तासुर जा रहा है कि जो भी मतलब दौलतमंद है या फिर बड़ा आदमी है वो बाहर से इलाज करवा सकता है, जेल के अंदर इलाज नहीं होता, तो ये तो बहुत गलत हो रहा है, जो होना नहीं चाहिए, लेकिन जो भी हुआ गवर्नमेंट जाने और वो जाने। शहबाज शरीफ साहब साबिक वज़ीर आला और प्रेसिडेंट पीएमएलए हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। एक तो मियाँ साहब की तबीयत पे चुके रिपोर्ट जमा हो चुकी है लाहौर हाई कोर्ट में, और ज़ाहरी बात है अदालत ने ये नहीं कहा था कि हर हाल में 4 हफ्ते के बाद वापस आए, अदालत ने कहा था कि अगर डॉक्टर्स इजाज़त देंगे, तो अभी क्या सिचुएशन लग रही है, मज़ीद इलाज आगे कब तक? ये उनकी जो इलाज जो है वो कंटिन्यू कर रहा है, गाइस अस्पताल में डॉक्टर्स ने जो 3 दिन पहले उनको देखा है, उनको जी कि हम आपका जो इलाज जो है ये टेस्ट टू बी अंडर स्ट्रिक्ट वॉच, और इसको हम पीरियोडिकली देखते रहेंगे, तो वो तो अभी इलाज उनका चल रहा है इंशाल्लाह। आपकी तबीयत कैसी है? मेरे भी मेडिकल चेकअप हो रहे हैं, जो मैं आया हूँ तो मेरे चूँकि यू नो आई एम अ कैंसर सर्वाइवर, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि
आई एम अलाइव, तो मेरे जो रेगुलर चेकअप जो होते हैं वो अब हो रहे हैं। जो प्रोजेक्ट आपने शुरू किया था ऑनेस्ट ट्रेन का, उसका जो ट्रायल टेस्ट ट्रायल जो है वो उस्मान बाजार साहब ने किया है, आपको मेरा ख्याल दावत भी दी गई थी लेकिन चूंकि आप यहाँ नहीं थे। नहीं, मुझे दावत तो नहीं मिली, लेकिन पूरी कौम को मुबारक हो, ये पाकिस्तान का पहला ट्रेन मेट्रो मंसूबा है जिससे 3 लाख लोग रोज़ सफ़र करेंगे, और अंदाज़ा करें किस तरह लोग टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, यू नो, डिश वॉशर्स, हाउसवाइफ्स और मजदूर, और 1 लाख अपने दफ्तर में टाइम पे पहुंचेगा। तो इट्स अ ग्रेट प्रोजेक्ट। अफसोसनाक बात यह है कि इसको उन्होंने बर्बाद कर दिया, 2 साल बर्बाद कर दिए, ये बहुत अफसोस। अच्छा, आपके प्रोजेक्ट का टेस्ट ट्रायल हो गया है, उनके प्रोजेक्ट के BRT की पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि इसकी FIR तहकीकात करें। इसका हाल ये है कि एक जज ने एक मुलजम को सजाए मौत दे दी, तो मुलजम ने कहा, घर वाले सारे रोना पीटना शुरू कर दिया, तो मुलजम ने कहा जज साहब मेरी एक ख्वाहिश, उन्होंने कहा क्या, उनके जी के मुझे पेशावर मेट्रो की सैर करा दें। उनका बड़े चलाक बनते हो, सारी उम्र जिंदा रहना चाहते हो। एवन फील्ड हाउस के बाद अब इस वक्त हम मौजूद हैं, मेरे सामने हाइट पार्क है, और ये हाइट पार्क प्लेस यानी यहाँ जो इमारतें हैं वो इसी हाइट पार्क से मंसूब ये जगह, और ये वन हाइट पार्क, ये जो बिल्कुल कॉर्नर में आप जो इमारत देख रहे हैं, जो कुछ अर्सा पहले, बल्कि चंद दिन पहले पाकिस्तानी मीडिया की खबरों की जीनत बनी, जो 190 मिलियन पाउंड की एक रकम, जिसमें मलिक रियाज, और जिसमें ये भी है कि वो हसन नवाज साहब ने शायद किसी ज़माने में मलिक रियाज को फ़रोख्त की थी, और वो रकम फिर अब हुकूमत पाकिस्तान को मिल चुकी है, और जिसके ऊपर आपको याद होगा बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब जो के प्राइम मिनिस्टर के मामूर खसूसी हैं, उन्होंने इस पर एक बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और शहबाज शरीफ साहब के बेटे के जो TT अकाउंट्स, उसके बारे में भी उन्होंने बताया था, और ये 190 मिलियन पाउंड जो रकम ट्रांसफ़र हुई पाकिस्तान को। अतर काजमी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, 10 साल से ज़ायद अरसा हो गया इनको बरतानिया में सहाफ़त से वाबस्ता रहे, पाकिस्तान के BBC के साथ काम करते रहे, और अभी पाकिस्तान का एक चैनल है जिसके साथ वाबस्ता है। काजमी साहब बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। ये बताएं कि ये जो पूरी विसिनिटी है, ये हाइट पार्क, ये पार्क लेन, एवन फील्ड हाउस, ये सामने हाइट पार्क, ये सारा इलाका जो है, यहाँ पे पाकिस्तान की सियासी अशराफिया में से बड़े बड़े मेहराब नशीनों के घर, फ्लैट्स और प्रॉपर्टीज़ रही हैं और अभी भी हैं। यहाँ पे पाकिस्तान की सियासत चलती रही है, पाकिस्तान की सियासत को यहाँ से बैठ के मनूवर किया जाता रहा है, ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है अमीर। अगर मैं आपको बताऊँ और अगर मैं ये कहूँ कि ये जो एरिया है यहाँ पे उतनी ही पाकिस्तान की सियासत के हवाले से जोड़ तोड़ होती है जितनी इस्लामाबाद में होती है। अगर अभी आपने ज़िक्र किया हसन नवाज़ साहब का, आपने ज़िक्र किया, ये अगर आप मेरे पीछे देख सकें तो हसन नवाज़ साहब का ऑफिस ये बिल्कुल हमारे पीछे इस इमारत में है। उसके अलावा ये जो एरिया है यहाँ पे साबिक जो सदर थे फौजी सरबराह जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का फ्लैट भी बिल्कुल यहाँ से साथ था। उससे पहले यहाँ पे जो सेनेटर अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहमान मलिक साहब, उनका घर भी यहाँ से करीब था, बल्कि बीबी वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करती थी। और पीछे अगर आप जाएं भुट्टो दौर में और ज़िया दौर में, तो जब खर साहब आए तो उस ज़माने में भी हाइट पार्क का जिक्र होता था, इस सारे एरिए का जिक्र होता था। तो कहा जाए कि पाकिस्तान की सियासत में ये जो सारा एरिया है इसका बड़ा कलीदी किरदार रहा है। जी, सैफ रहमान साहब, एहतसाब रहमान जो थे, उनका घर भी यहीं पे कहीं, कहते हैं बहुत सारे सियासतदानों के नाम आते हैं इस वक्त, कुछ हुकूमती वज़रा हैं उनका नाम भी आते हैं, फैसल वाडा साहब की बारे में भी कहा जाता है कि उनके घर भी यहाँ से बिल्कुल करीब हैं, और उसके अलावा कुछ और वज़रा भी हैं और कुछ और सियासी शख्सियात हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके घर इसी इलाके में हैं। तो ये सारी पाकिस्तान की सियासी अशराफिया जो वहाँ जाके एक दूसरे को चोर चोर कहती है या एक दूसरे की पड़ोसी है? जी बिल्कुल, यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं, कभी हमने नहीं देखा किसी के दरमियान किसी किस्म का कोई मसला हुआ हो हमेशा। बल्कि अगर आप गर्मियों में यहाँ पे आएँ अमीर, ये जो पीछे एजवे रोड है, आप वहाँ पर एजवे रोड
पे दोपहर के वक्त आप 10 मिनट या 20 मिनट खड़े हों, उस दौरान आपको पाकिस्तान का कोई ना कोई बड़ा नाम, कोई सियासतदान, कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट ज़रूर नज़र आएगा। उन सब के इस इलाके से इंतहाई गहरे लिंक्स हैं। जो ख़ुद यहाँ पे नहीं रहते, उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पे जायदादें लेके दी हुई हैं। कोई किसी के बच्चे यहाँ पे किराए पे रह रहे हैं, किसी के बच्चों के यहाँ पे फ्लैट्स हैं। और एक और बात भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो इलाका है, इसका शुमार लंदन के महंगे तरीन इलाकों में होता है। मैं जिस तरह आपने जिक्र किया कि गुज़िश्ता 10 साल से मैं यहाँ पे एक सहाफ़त से वाबस्ता हूँ, वैसे 20 साल से यहाँ रह रहा हूँ, पर मैं नहीं सोच सकता कि मैं कभी, बड़े अच्छे अच्छे इदारों के लिए काम भी किया, कि मैं यहाँ पे कभी कोई जायदाद खरीद सकूँ। खरीदूँ तो दूर की बात, मैं यहाँ पर रेंट पर भी नहीं ले सकता। तो ये सोचने की बात है कि जो हमारे मुल्क के सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, जो रुपयों में कमा रहे हैं, वो किस तरह ये सब कुछ अफोर्ड करते हैं। और ये सवाल आप लोगों ने उठाना है और पाकिस्तानी अवाम ने उठाना है। अच्छा, अब ब्यूरोक्रेट्स का आपने नाम लिया, सियासतदान तो जारी बात है एहतसाब की जद में रहते ही हैं, लेकिन क्या आपको कभी इतफाक हुआ कि यहाँ पे इन महंगी प्रॉपर्टीज़ में, जिस एरिया में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पर पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स, पाकिस्तान के बिजनेस मैन जिन्होंने वहाँ से पैसा मनी लॉन्डर यहाँ पर किया हो, जैसे इस प्रॉपर्टी से के पीछे भी एक बिजनेस मैन का नाम आ रहा है, तो कारोबारी और सरकारी अफसरान में से भी लोग हैं ऐसे? जी, बहुत सारे लोगों के नाम आते हैं। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का फ्लैट यहाँ से करीब था, अब उन्होंने शायद बेच दिया है, जिसके बारे में जनरल साहब कहते थे कि शायद उनको किंग अब्दुल्ला ने वो तोहफे में दिया था। उसके अलावा कुछ और ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी आए थे, लेकिन आज तक किसी की जो मलकियत है वो प्रूव नहीं हो सकी। और वो क्यों प्रूव नहीं हो सकी, हमने देखा कि पानामा पेपर्स जब रिलीज़ हुए, जब उनका इंकशाफ हुआ, उसके बाद ये सारा पेंडोरा बॉक्स खुला और जो बड़े बड़े सियासतदान थे उनके नाम तो सामने आए, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका किसी को मालूम नहीं। और आने वाले महीनों में, सालों में हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे। और पिछले दिनों में हमने देखा लंदन में, आपने ब्यूरोक्रेट्स का जिक्र किया, इवन हमारी जो अदलिया है उससे इंतहाई, जो हमारी आला अदलिया है उससे वाबस्ता लोगों की भी पाकिस्तान इधर लंदन में जायदादें हैं, और वो भी हमें पता है। एक रेफरेंस भी इस वक्त जो है वो चल रहा है अदालत में पाकिस्तान में। तो यहाँ पे हर तबके के लोग के जो पाकिस्तान की शराफिया है, उन सब की यहाँ पे जायदादें हैं, सब के यहाँ पे स्टेक्स, हाथ तेल में सर कढ़ाई में सबका, बिल्कुल यही हालत। अच्छा, ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब वापस नहीं जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जब तक नवाज शरीफ ठीक नहीं होंगे मैं वापस नहीं जाऊँगा, और नवाज शरीफ साहब आपको पता है कि वो तो फौरी तौर पर अब ठीक नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो ठीक होंगे तो उनको जेल जाना पड़ेगा वापस, तो इसका मतलब है शहबाज शरीफ तो वापस नहीं जाएंगे। जी, अब देखें, जो नवाज़ शरीफ साहब की सेहत के हवाले से तो यकीनन डॉक्टर्स ही बता सकते हैं। आज भी हमारी डॉक्टर अदनान से बात हुई तो वो बता रहे थे कि मैंने इस हवाले से कोई ट्वीट भी किया है। फिर हसन हुसैन नवाज़ साहब से मेरी गैर रस्मी बात हुई एवन फील्ड हाउस के सामने ही, तो उन्होंने भी बताया कि वालिद साहब की जो तबीयत है पहले से तो बेहतर है, लेकिन इलाज अभी जारी है, और हो सकता है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर मियाँ साहब को इलाज के लिए अमेरिका शिफ्ट कर दिया जाए, और इस हवाले से जो है वो डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशन भी जारी है। वन हाइट पार्क, 195 मिलियन पाउंड की वो प्रॉपर्टी, और खैर सिर्फ ये प्रॉपर्टी नहीं, इसमें तो एक फ्लैट है, बाकी तो वो पैसे थे जो अकाउंट फ्रीज हुआ था, और ये सारी रकम, ये नेशनल क्राइम एजेंसी जो बरतानिया की NCA, उसने ये सारा पैसा फ्रीज किया और उसके बाद पाकिस्तान को मुंतकिल हुआ। तो कादमी साहब, ये NCA जो है ये कैसे काम करती है, क्या इसके ऊपर बरतानिया की हुकूमत का कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है, क्या पाकिस्तानी हुकूमत इस पर अपना कोई असरअंदाज हो सकती है? देखें, NCA जिस तरह नाम से जाहिर है, नेशनल क्राइम एजेंसी, ये जो बरतानिया की प्रीमियर क्राइम एजेंसी है, यहाँ पे जो इंतहाई सीरियस किस्म के जराइम होते हैं उनकी ये तहकीकात करती है, और इसके जो इख्तियारात हैं वो, अगर आप ये कहें कि लामहदूद तो नहीं, कानून के अंदर रहते हुए ये इंतहाई पावरफुल एजेंसी है। जहाँ तक ये है कि क्या इस पे हुकूमत पाकिस्तान असरअंदाज हो सकती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ना ही हुकूमत पाकिस्तान के कहने पे कोई तहकीकात शुरू करेंगे, ना ही हुकूमत पाकिस्तान के कहने पर ये तहकीकात ख़त्म करेंगे। इस एजेंसी की अपनी क्रेडिबिलिटी है, और ये जो इस हाइट पार्क, वन हाइट पार्क के हवाले से भी खबरें आती रहीं, और मलिक रियाज साहब के हवाले से जो खबरें आती रहीं, मलिक रियाज साहब के हवाले से जो तहकीकात हो रही थी वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन थी। नेशनल क्राइम एजेंसी क्रिमिनल, यानी
जो मुजरमाना सरगर्मियां होती हैं जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग है, स्मगलिंग है, डिफरेंट चीज़ें, उस हवाले से बड़े बड़े मुकदमात की तहकीकात करती है। तो ये भी एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन थी जिसके दौरान उनको वो किस हद तक उनके दरमियान तस्फिया हुआ, कोई जिस तरह नैप का एक कानून है जिसमें प्ली बार्गेन होती है कुछ पैसे दे के आप जो है। लेकिन NCA की प्रेस रिलीज में ये है कि ये कोई गिल्ट की वजह से नहीं है। जी गिल्ट, देखें जब आपने पहले ही तस्फिया कर लिया और एक माहिदा कर लिया, प्ली बार्गेन कर ली, तो फिर गिल्ट नहीं है, फिर आपके ऊपर कन्विक्शन नहीं है। मलिक रियाज साहब ऐसे ही इनोसेंट हैं जैसे मैं इनोसेंट हूँ या आप इनोसेंट हैं, उन पर किसी किस्म का कोई जुर्म तो साबित नहीं हुआ, लेकिन नेशनल क्राइम एजेंसी ने उनकी जायदाद को जब्त किया। अगर जायदाद बिल्कुल लीगल थी, उसमें कोई मसला नहीं था, तो जब्त करने की कोई तुक नहीं बनती। कुछ ना कुछ तो था जिसकी वजह से तहकीकात हो रही थी। और दूसरा ये है कि इस एरिए में जितनी जायदादें हैं उसमें एक बड़ी तादाद जायदादों की ऐसी है जिनको गैर मुल्की ओन करते हैं। इस हवाले से हुकूमतें बरतानिया पे शदीद दबाव है, ना सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से, दीगर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ से सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, फौजी अशराफिया पैसा निकालता है और ला के लंदन में इन्वेस्ट कर देता है, उन ममालिक की हुकूमतें, इदारे और खसूसन वो इदारे जो बदअनवानी के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वो हुकूमतें बरतानिया से मुतालबा करती आई है कि इस किस्म की जायदादों के ख़िलाफ़ तहकीकात की जाएँ और जो पैसा है वो वापस थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भेजा जाए। और बरतानिया ने 2018 में के अवाइल में एक कानून बनाया था जिसका नाम था अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर्स, जिसमें वो ये था कि अगर किसी शख्स के पास इंतहाई कोई महंगी जायदाद है, कोई महंगी गाड़ी है, तो हुकूमती जो लोग हैं, हुकूमती अहलकार उनके पास जाके उनसे पूछ सकते हैं कि ये जायदाद आपने कहाँ से बनाई, आप हमें बताएं। तो जब ये कानून बना तो उसके बाद जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हुकूमत बरतानिया को 4 जायदादों की लिस्ट दी और कहा कि इन जायदादों के बारे में आप सबसे पहले तहकीकात करें। उन जायदादों में हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनके एवन फील्ड के फ्लैट्स भी शामिल थे। तो इस हवाले से हुकूमत बरतानिया पे प्रेशर था। और आखिर में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब इमरान खान साहब ने इलेक्शन जीता, सबसे पहले उनकी जब थॉमस ड्रू से बात हुई, बरतानिया जो सफ़ीर थे वहाँ पर, उनसे बरतानी सफ़ीर से बात हुई पाकिस्तान में, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो लूटी हुई रकम यहाँ से गई है उसको वापस भेजा जाए। फिर जब उनकी ट्रीज़ा मई से बात हुई, खान साहब ने दोबारा ये मुतालबा किया। फिर जब हमारे यहाँ के होम सेक्रेटरी साजिद जावेद साहब गए पाकिस्तान, तो दोबारा ये मुतालबा किया गया। यहाँ पे एक इंतहाई सीनियर हुकूमती एहलकार ने मुझे बताया कि हमें शदीद दबाव है, जब भी खान साहब मिलते हैं, उनकी हुकूमत का कोई रुकन मिलता है, वो बार बार हमें ये कहते हैं हमारे पैसे वापस दो। तो एक ये भी उसमें फैक्टर है कि जो हुकूमत पाकिस्तान का एक इस पर स्ट्रॉन्ग मौकफ है, उस वजह से भी हो सकता है कि NCA को मज़ीद बैकिंग मिली हो, तकवीत मिली हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।